लेट अस कंटिन्यू। थ्री डी आयामी या थ्री डायमेंशनल टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखिए कि जब आप कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन करते हो, तो कंस्ट्रक्शन करने का एक मेथड क्या होता है? एक मेथड होता है, जैसे कि आपने, आपको जैसे पलंग है, पलंग बनाना होता है, खाती क्या करता है, लकड़ी जो होती है ना उसको काटना शुरू करता है, एक बड़े साइज़ की चीज़ मिलता है उसको काट कूट के छोटे साइज में कन्वर्ट कर देता है। इसको बोलते हैं सबमिशन टेक्नोलॉजी। सबमिशन क्या है? इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक बड़े साइज की चीज़ थी, लकड़ी थी, लकड़ी का गत्ता था, उसने उसको काट पीट के शेप में लाया, बहुत सारी चीज़ वेस्ट भी हो गई। या वेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट भी हो गई, पर वेस्ट करना पड़ता है। जितनी लकड़ी उसने एक कुर्सी बनाने में या एक पलंग बनाने में लगाई, उतनी लकड़ी जो है उसमें से बहुत सी लकड़ी ऐसी भी तो है जो वेस्ट हो गई निर्माण की प्रक्रिया में। एक तरीका तो ट्रेडिशनल तरीका ही है। एक ट्रेडिशनल तरीका क्या है, जैसे आपने कुम्हार को देखा होगा, वो उस मिट्टी के वो सांचे में ढालकर उसका शेप चेंज कर देता है कि नहीं? ये शेप चेंज करने का तरीका है, क्लियर हुआ? लेकिन अगर तरीका ऐसा हो जो एडिशन का तरीका हो, इसको एडिटिव तरीका भी बोलते हैं। एडिटिव तरीका का मतलब होता है इस तरीके के अंदर जिस चीज का भी आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है ना, उसकी लेयर पर लेयर निकलती जाए, है ना? जैसे जैसे जब आपने एक जलेबी बनाने वाले को देखा होगा, तो जलेबी बनाने वाला क्या करता है, उस कपड़े में उसका पूरा तैयार कर लेता है, मसाला जो भी उसका जो है मामला है, उसको कढ़ाई के सामने रखकर ऐसे ऐसे घुमाता है, लेयर पे लेयर बनती जाती है। क्या उसमें कुछ वेस्टेज हुआ? वो जो हाथ में रह गया वो तो वेस्टेज हो गया, लेकिन जो बनने वाला है उसमें कुछ वेस्टेज हुआ क्या? वो क्या है? एडिटिव तरीका। तो अगर मान लो कोई बिल्डिंग बनानी है, भाई कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं, या तो कुछ बनी हुई चीज़ है उसको काट पीट के आपने सही किया, या कुमार ने जैसा बनाया, या जैसे बिल्डिंग बनती है एक के ऊपर एक कुछ रखकर ब्रिक बनाकर अलग अलग तरीके से। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी चीज़ बनाओ, जैसे ये एसी बनाओ, इस एसी को बनाने का जो परंपरागत तरीका है वो कैसा है कि आपने मटेरियल पूरा ले लिया, अब इसको शेप दे रहे हो, अब इसके अंदर मशीन डाल रहे हो। और एक तरीका क्या है कि अगर मान लो जैसे कि जलेबी बनती हो और उससे कोई मटेरियल निकलता जाता हो, लेयर पे लेयर बनती जाती हो, और वैसे लेयर बनकर ये तैयार हो जाए, है ना, जैसे ये बना हुआ है वैसे लेयर पे लेयर बनते बनते ये तैयार हो जाए, तो इस तरीके को बोलते हैं आप थ्री डायमेंशनल तरीका। इसकी खासियत क्या होती है? इसको बोलते हैं एडिटिव तरीका। और जैसे कि कोई कोई छेद से पानी की बूंदें निकलती, या जलेबी का जो एग्जांपल मैंने आपको लिया, जो मटेरियल निकलता है वो मटेरियल निकलता जाता, आप उसको चाहो जिस शेप में घुमा दो। अभी किसी को जलेबी की लेयर ऊपर वाली ज़्यादा बनानी है तो उसने और ऊपर कर दिया, किसी को जलेबी चौड़ी बनानी है, मतलब ज़्यादा उसका उसको कह सकते हैं डायमीटर ज़्यादा बनाना है, तो आपने उसको डायमीटर ज़्यादा कर दिया, ठीक है। इससे वेस्टेज भी कम होती है और आपको रियल टाइम एहसास हो जाता है कि वो चीज़ क्या है। अगर आप कोई कोई घर खरीदने जाओ, और घर खरीदने के लिए परंपरागत तरीके से आपको क्या बताया जाता था, ये मैप है, इस मैप में बताते, देखो ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, यहाँ पर जगह होगी, यहाँ पर ये होगा। कॉमन आदमी समझ पाता उसको कि क्या लिखा हुआ है ना? और अगर कोई आपको ये मॉडल दिखा दे कि जी ऐसा होगा, ये आपकी एंट्रेंस, यहाँ पर एक कमरा, यहाँ पर एक कमरा, यहाँ पर ये, तो ये जो उसने मॉडल बनाया ना, निकाला ना बाहर, है ना, ये कहलाता है थ्री डायमेंशनल प्रिंटिंग। अब नॉर्मल प्रिंटिंग में आप क्या करते हो, प्रिंटर, जैसे ये प्रिंटर होता है, कागज डाला और उसमें टाइप होकर निकल गया, ठीक है। इसके लिए जो प्रिंटर आते हैं उसकी बड़ी खासियत है, उसके अंदर ऐसे मटेरियल यूज होते हैं जो कि आपने, अच्छा अब आप कहोगे जी अगर एक घर को मैंने आउटपुट लाना है, इनपुट में क्या दूं कि आउटपुट में एक घर का ढांचा आ जाए, तो अनुष्का क्या होना चाहिए इनपुट? मान लो मुझे आउटपुट में देखना है कि ये कोई ग्लास है, उस ग्लास को मैं हाथ में लेके देखना चाहता हूं कि जब ये ग्लास बनकर तैयार हो जाएगा तो ग्लास की फील कैसे आएगी। भाई इन चीजों की फील की भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ग्लास को आपने बाजार में खरीदने गए, आपने हाथ उठाकर देखा यूं और आपको लगा यार पकड़ने में मतलब अच्छा लग रहा है ना, ये भी एक फायदा होता है। पहनने में चश्मा, समझ रहे हो ना, ऐसा चश्मा जो पहनने में ठीक नहीं लगे आपको, आप नहीं पहनोगे, चाहे वो कितना ही महंगा हो जाए, कितने अच्छी मटेरियल का बना हो, इसकी बड़ी वैल्यू है। तो हम लोग तो ग्राहकों को दुकान पे जाके देख लेते हैं कि जी बताना जरा, वो आपको पहना के दिखाता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, 100 चश्मे लगा लिए आपने, उसके बाद का जी कोई अच्छा नहीं लगता, वो समेट रहा है कि नहीं। लेकिन अगर वो जो दुकानदार है वो अगर ये फील करना चाहे कि जो चीज़ में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो कैसी लगेगी, और कस्टमर की जो उसकी ट्रेंड है कि कस्टमर्स को ये चीज़ अच्छी लगती है ख़राब लगती है, तो वो खुद फील करना चाहे तो कैसे फील करेगा? अगर उसको एक जिसको आप बोलते हैं डमी, अगर उसको एक डमी दे दिया जाए कि ये जी परफेक्ट ऐसी फील आएगी,
और उसको ग्लास को पकड़ कर देख ले। आप किसी घर में हैं, जाना चाहते हो, तो आजकल लोग तरीका क्या बता दे, किसी एक घर बना हुआ है उस, है ना, सैंपल फ्लैट दिखा देते हैं। पर ये तो वेस्टेज है, सैंपल फ्लैट तो वेस्टेज ही है भाई। आपने एक फ्लैट बना के, या तो आप उसमें काटा मार दोगे और सही में 1 करोड़ का फ्लैट बना के दिखाओगे लोगों को कि जी 1 करोड़ का फ्लैट खरीदना है क्या, आओ आपको दिखाता हूँ 1 करोड़ का फ्लैट, गड़बड़ हो जाएगी। और सैंपल फ्लैट कितनी जगह बनाओगे भाई, एक ही जगह बना पाओगे? दिल्ली के अंदर मान लो तुमको सोसाइटी में घर खरीदना है, 1 करोड़ 20 लाख का घर है, तो किसी जो कंपनी थी उसने क्या किया, 1 करोड़ 20 लाख का घर बना दिया। एक जो भी आता कि जी कैसा फ्लैट है, आओ विजिट करा देते, तो विजिट कराने के लिए आना जाना खूब, और पूरी दिल्ली में एक तो काम चलेगा नहीं, दिल्ली के डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर उसको कई सारे सैंपल फ्लैट बनाने पड़ेंगे, वो वेस्टेज हो गया ना रिसोर्सेज का। क्यों ना उसके हाथ में एक फ्लैट हो, फ्लैट का ढांचा हो। आप ऑफिस में गए, उनसे पूछा जी फ्लैट कैसा होगा, जी ऐसा होगा, ये एरिया इतना होगा, ये इतना होगा, ये इतना होगा, ये इतना होगा। इसके लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, कैड का। वो इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होगा बाकायदा, उसमें आप इनपुट करोगे जो भी मटेरियल, जो भी डिजाइनिंग आपको करनी है उसमें आप इनपुट करोगे, और प्रिंटर से प्रिंट हुई भी चीज नहीं, ढांचा निकलेगा। प्रिंट हुई भी चीज नहीं निकलेगी, बल्कि क्या निकलेगा, प्रिंटर से ढांचा। और इसकी खासियत क्या है, आप कह सकते हैं इसे डमी तो बना सकते हैं, लेकिन प्रिंटर से निकलने चीज की खासियत क्या होती है, वो फाइल आपने अमेरिका भेज दी, उसने भी ढांचा निकाल कर दिखा दिया, ये लो जी ये लो। आज आपको इस क्लास की पीडीएफ यूएस भेजने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड। अमेरिका में आपका कोई दोस्त बैठा है, उसको आप बोलो ये लो जी करंट अफेयर्स की पीडीएफ, 1 मिनट लगेगा। इतनी जल्दी आप कोई डमी भेज सकते हो यहां से, यहां नहीं ना। लेकिन अगर वो एक सॉफ्टवेयर फाइल के रूप में हुआ और उसके लिए कॉम्पिटेबल प्रिंटर वहां पर हुआ, तो आपने क्या कर दी, फाइल भेज दी, उसने अपने ग्राहक को उसी प्रिंटर से उसका ढांचा निकाल कर दिखा दिया, ये लो जी ढांचे खत्म हो गए, फिर प्रिंट निकाल लो, फिर ढांचे खत्म हो गए, फिर प्रिंट निकाल लो। तो कितनी बड़ी क्रांति है मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में। ठीक है, हाल ही में हुआ क्या है, प्रधानमंत्री जी ने एक डाकघर के निर्माण में जो 3 डायमेंशन टेक्निक का यूज हुआ है उसकी बड़ी प्रशंसा की है। एक डाकघर बनाया जा रहा है भारत में, उसका डमी यानी कि उसका ढांचा इस टेक्निक से निकाल कर बताया गया, और बताया गया कि वो डाकघर, डाकघर एक बहुत बड़ी इमारत होती है, छोटी मोटी नहीं है, इस बहुत बड़ी इमारत का 3D सैंपल सामने आ गया, और 3D सैंपल को देखकर प्रधानमंत्री जी ने उसकी सराहना की है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसका नाम क्या है, 3D टेक्निक। अलग प्रिंटर होगा, अलग इंक होगी, आप इस प्रिंटर से मत समझ लेना कि इससे निकल जाएगा, नहीं नहीं मेरे भाई, बाहर तो कागज पे प्रिंट होके निकलता है, वर्तमान में आपके हाथ में क्या आ सकता है, किसी कागज पे लिखावट, डायग्राम, यही आ सकता है ना, ढांचा निकलेगा बाकायदा। मटेरियल उसके अंदर इनपुट क्या होगा, इनपुट कोई ना कोई मटेरियल होगा, जैसे हलवाई के पास में वो जलेबी का मटेरियल होता है, एक हलवाई के लिए जलेबी का मटेरियल क्या है, सॉफ्टवेयर, वो खुद है, इसको समझना, सॉफ्टवेयर वो खुद है, जलेबी का मटेरियल उसने बना रखा है, स्किल उसको आती है, ये उसने घी की कढ़ाई चढ़ा दी और उस पर ऐसे 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 घुमा रहा है, ये लो जी एक जलेबी। किसी बच्चे ने कहा कि अब मेरे को स्क्वायर की, स्क्वायर शेप में जलेबी चाहिए, तो उसने स्क्वायर शेप में बना सकता है कि नहीं बना सकता, ये लो। बाहर आएगा ऐसे, जैसे मोबाइल का, मोबाइल का आपको वो चाहिए प्रिंट, तो प्रिंट आएगा मोबाइल में, कागज में मोबाइल बनावा नहीं आएगा, मोबाइल आएगा आपके हाथ में, डमी जिसको आप डमी बोलते हो, है ना। दुकानों पर आप भी देखते हो डमी पड़ा है, पर वो डमी कितनी जगह रखवा सकते हो आप, अगर दुकानदार उस तरह का प्रिंट निकाल कर लोगों को दिखा दे ये है जी, लागत कम हो जाएगी, काम करने में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और सच भी बात है, किसी घर में एंटर होकर ही आप देख सकते हो वो घर की कैसी फीलिंग है। आजकल क्या होता है, जब लोग कोई फ्लैट बेचता है तो आजकल होता ये है कि वो क्या करते हैं, एक सैंपल फ्लैट बना के रखते हैं, ताकि पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकलवाते हैं, मतलब सर मटेरियल सहित ढांचा आएगा, यस सुबोध। अब ये नहीं है कि उसमें सीमेंट कंक्रीट निकली भी आएगी, ये ध्यान रखना, जैसे कि ये रिमोट है ना, ये अगर मान लो ये कोई ढांचा होता किसी घर का और घर बना होता सीमेंट कंक्रीट का, तो ये जो चीज है ये मटेरियल तो दूसरा है लेकिन ढांचा वही है कि नहीं है। ये कुछ वैसे ही है कि कोई आपसे कहे नेहा को कि आपके घर, आपका घर कैसा है, तो एक तरीका तो ये है कि ये वीडियो कॉल करके बताए कि देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, लोग करते हैं ना ऐसे। एक तरीका ये है कि ये घर के बाहर जाए और घर की एक अच्छी सी फोटो खींचे, 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा जो आ रहा है ना, उस पर पता नहीं दूर कोई आदमी
बैठा उसकी फोटो खींच के जूम कर लो भाई साहब ये देखो, ठीक है, तो उससे फोटो खींच के भेज दे। लेकिन क्या अमेरिका में बैठे हुए इनके किसी रिलेटिव को या इवन दिल्ली में बैठे हुए इनके किसी दोस्त को ये फीलिंग आ सकती है कि इनका घर कैसा है, दिखने में कैसा है वो आ जाएगा, डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी, लेकिन अंदर से आएगी क्या फीलिंग? नहीं ना। लेकिन अगर वो ढांचा दिखा दिया 3D, अगर उन इनके पास अगर ये ऑप्शन हो कि लो वो ढांचा कैसा है, आपको मेल किया है या व्हाट्सएप कर दिया उसकी उसकी फाइल, उसको प्रिंटर से बाहर निकाल कर देख लो, और उसके पास कोई प्रिंटर वाली दुकान हो उसने जाके निकाल के देख लिया जी ऐसा है। गेटिंग माय पॉइंट? है मिस यूज तो देखो हर चीज का हो सकता है कि नहीं। अब देखिए ये है क्या, प्रधानमंत्री जी ने किसकी प्रशंसा की है, ऐसा एक डाकघर बनाया गया है। अब देखो 3D प्रिंटिंग में एक योगात्मक निर्माण प्रक्रिया है, मैंने बताया ना योगात्मक, लेयर पे लेयर चलती है। जनरली हम कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी चीज यूज करते हैं, घटाने वाली, एक बड़ी लकड़ी का तख्त, आपने बड़ी लकड़ी ले ली, अब उसको काट रहे हो आप, देखा होगा आपने ये कुर्सी बनी किस तरीके से, इसी तो बनी है ये जो कुर्सी का ये जो स्टैंड है, ये ऐसे ही था क्या, ऐसी लकड़ी आती गई, लकड़ी ऐसी आई होगी, इसको काटा होगा यूं, अभी जब वेस्ट हो गया वो सब क्या हुआ, वो वेस्ट हो गया भाई, है ना, क्या हुआ, ठंडे में काम आएगा। ये जो सलमायका है, ये जो इसके ऊपर लगा है, क्या ये इस शेप में आई होगी, क्या नहीं, एक बड़ी शीट आई होगी, उस बड़ी शीट में से पहले स्क्वायर का इसका इस साइज का निकाला होगा, फिर उसको ये डिजाइन दी होगी, टाइम भी लग रहा है, वेस्टेज भी हो रहा है, ठीक है। और जैसा एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका जैसे हम घर बनाते हैं, है ना, पहले ईंटें रखी, इमारतें बनाई, एक तो वो तरीका, उसमें भी आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। तीसरा जो कुम्हार होता है ना, एक छोटी सी चीज है मिट्टी उसके हाथ में, उसको उसने अपने स्किल से ढाल दिया मटके में या सुराई में, है ना, इस चीज में कुल्हड़ में, ये सब चीजें इसके अंदर क्या है, ये एडिटिव तरीका है, योगात्मक निर्माण प्रक्रिया है, अच्छे से देख लेना भैया इसको, ये कौन सा है, योगात्मक निर्माण प्रक्रिया, जिसमें पतली प्रिंटों को, पतली परतों की प्रिंट आती है ना। अब जैसे ये पिलर अगर आएगा उसमें तो इतना मोटा थोड़ी आएगा, पतली परत आएगी, पर परत आएगी, परत लेयर आएगी, इस पतली परत को एक साथ जोड़कर डिजिटल डिजाइन के साथ वो भौतिक वस्तु बना दी जाती है, इसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट, चीज समझ में आ गई नुपुर? अब इसके अनुप है क्या, ठीक है। अब इसके अब ये होगा कैसे, एक आता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये एक टेक्नोलॉजी है कैड, समझ गए, कंप्यूटर के थ्रू आप क्या देंगे, इनपुट देंगे, एक सॉफ्टवेयर होंगे इसके, है ना, एप्लीकेशन होगी और सॉफ्टवेयर होंगे, उन एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में जब आप डेटा डालोगे तो डेटा डालने के बाद वो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन को आपके सामने लाएंगे, अगर आपको वो पर्टिकुलर डिज़ाइन ठीक लगती है तो आप उसका क्या ले सकते हो, प्रिंट ले सकते हो। ये प्रिंट करने के तरीके हैं, क्या क्या हो सकता है, जैसे कि 3 मंजिलों तक की कोई इमारत हो, है ना, कोई किफ़ायती आवास आप बनाना चाहते हो, छोटे होते हैं ना 1 BHK, ठीक है, सैन्य बैरक बनाना चाहते हो, सिंगल फ्लोर की कोई स्कूल हो, भंडारण हो, आवास हो, विला हो, इसका मॉडल आपके हाथ में आ जाएगा। विला मीन्स कोठी टाइप की, घर वगैरह जो होते हैं, लेकिन हाँ एक मल्टी डायमेंशनल हो उसको तो फिर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, इतना बड़ा प्रिंट निकल कर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक दो डायमेंशन की चीजें हो और एक दो स्टोरी की चीजें हो तो उसको आप बनाकर दिखा सकते हो, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। वो एक डिफरेंट मॉडल है, वो 3D नहीं है, सुनो ना, वो 3D नहीं है बेसिकली, वो उन्होंने क्या किया, एक डमी बनवा लिया, अगर उनको ऐसे 1 करोड़ मॉडल्स की जरूरत होगी तो 1 करोड़ डमी थोड़ी ना बनाएंगे, प्रिंट अगर निकलवा सको तो 1 करोड़ क्या 10 करोड़ निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे आसान बात क्या होती है, इसकी सबसे आसान बात यह है कि इसके फायदे क्या है, एक तो पहुंच में आसानी, ठीक है, लोगों को एक्सेस इजीली हो जाएगा, दूसरा अगर आप देखें हेल्थ केयर के फील्ड में इसका बड़ा योगदान है, हेल्थ केयर का मतलब क्या हुआ, मेडिकल फील्ड में इसका बड़ा योगदान है, मानव शरीर का लीवर, किडनी, हार्ट, इन जैसे अंगों का प्रिंट किया अगर आपने कर दिया तो प्रौद्योगिकी का उपयोग करके रिसर्च प्रॉपर किया जा सकता है, ठीक है। अभी आप जैसा आप हृदय समझते हो वैसा होता थोड़ी हो, है कि नहीं, वो पान की शेप का होता थोड़ी है जो आप ऐसे बनाते हो,
या कुछ और भी तरीके बनाने के दोनों हाथों से, ठीक है? तो है, वो कैसे होता है, ऐसे ऐसे मुट्ठी की शेप का होता है, और हार्ट का 3 डायमेंशनल मॉडल बड़े बड़े अखबारों, बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर होता है। आप किसी हॉस्पिटल में जाओ जहाँ आपके किसी रिलेटिव का या बाईपास सर्जरी वगैरह हो रही होती है ना, तो उनके उसके जो अटेंडेंट होता है उसको बताते, देखो ये एक कोरोनरी वेन है, कोरोनरी आर्टरी है, इसमें ब्लॉकेज आया आपके पिताजी के या किसी के भी, हम इससे बाईपास कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से एक दूसरी वेन लगा रहे हैं, है ना? आर यू एग्री? मतलब आपको समझ में आ गया सारा, आपको, आप एग्री हो, कर दे काम, कंसेंट लेते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से बताई जा सकती है। फिर क्या है, जब आप इसको प्रिंट करोगे तो पर्यावरण के अनुकूल काम है, इसमें कोई भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं हो रहा है। लागत प्रभावी, कम समय में और खर्चा कम आ रहा है, जो वेस्टेज हो रहे थे मटेरियल के, मटेरियल के वो वेस्टेज नहीं होंगे। फिर क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या होता है, एक जैसी रेप्लिका, रेप्लिका का मतलब क्या होता है, एक ही जैसे मॉडल का प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक प्रिंटर को अगर एक जैसे 1000 पेज प्रिंट करने हो तो कितना टाइम लगेगा अनुष्का? 10 मिनट खर खर करते हुए निकल जाएंगे। आपको हाथ से लिखने हो जी 1000, तो किसी को भी लिखने हो, मान लो अगर आप मान लो कहो कि नहीं, एक काम करेंगे 1000 लोगों को लगा देंगे, एक एक पेज लिख देंगे, लागत ज्यादा आ जाएगी कि नहीं? फीस देना पड़ेगा। इसी तरह से जो आप बोल रहे हो ना कि किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास में उसने एक रेप्लिका दिखा दिया, उसकी छोटी सी दुकान है, इसलिए उसने एक बार बनवा के रख लिया कि जो आएगा उसको निकाल के दिखा देता है कि देखो इस तरह का फ्लैट है। लेकिन अगर एक एक चेन ऑफ होटल्स है, उस चेन ऑफ होटल्स को अपना मॉडल बताना है, या कोई मैन्युफैक्चरर है जो कि बहुत बड़ा काम करता है, उसके 100 ब्रांचेस है, 100 ब्रांचेस में उसको बार बार उन चीजों का यूज करना पड़ता है, सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रिंट। सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रिंट निकाल के दिखा दो। इसके लिए स्पेशल प्रिंटर आते हैं, और पारंपरिक विधि से, अच्छा मजे की बात है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको पारंपरिक विधि से बनाना लगभग नामुमकिन है, 2 डायमेंशनल विधि में बनाना लगभग नामुमकिन है। जैसे अगर आप एक घर का नक्शा बनाना चाहते हो, तो आपने देखा होगा जो आर्किटेक्ट होते हैं वो नक्शा कैसे बनाते हैं, एक शीट पे ऐसे ऐसे करके बता देते हैं। आपको समझ में आता है क्यों? नहीं आता। क्यों नहीं आता? आपके पास में 2D है जबकि घर होता है 3D, तो वो आपको बोलते हैं ये लाइन आ रही है ना बाहर, आप कह रहे हो कहाँ आ रही है बाहर, बोले ये ऐसे लाइन आएगी बाहर, वो आपको दिख नहीं रही है लेकिन एक लाइन ऐसी बाहर आएगी। जैसे कि इस कमरे को आप 3D में बनाओ, 2D में बनाओ, कमरे को आप कैसे बनाओगे? ये एक कमरा है कि नहीं? ये जो थर्ड डायमेंशन है वो आप फील नहीं कर पाओगे, जबकि इससे आप थर्ड डायमेंशन को फील कर लोगे। तो इसके बहुत फायदे हैं। अब इसके अंदर कुछ मुद्दे भी आ सकते हैं, मुद्दे का मतलब कुछ दिक्कतें भी आ सकती है। सबसे पहले डिजाइन की अशुद्धियां। अभी मान लो प्रिंटर की सहनशीलता, यानी कि प्रिंटर उतना अच्छा नहीं हुआ, तो जो लेयर जिस तरह से जानी चाहिए थी वैसे नहीं गई, आउटपुट वैसा नहीं आया। समझ गए? पारंपरिक मेथड्स बड़े टेस्टेड है, 1000 साल हो गए उन पारंपरिक मेथड्स को। एक एक आर्किटेक्ट जो नक्शा बनाता है उसने खुद ने थोड़ी सीखा है, 6, 8, 15, 20 जनरेशन पीछे चले जाओ, वहां से सीखते सीखते चीज आ रही है। तो वो जो आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया ना, उसमें अशुद्धियां कम होती है क्योंकि उसने बड़े टेस्टेड मेथड से काम किया। अरे ये कुछ वैसे ही है कि आप अपने गैस पर, चूल्हे पर चावल उबालो और एक होता है माइक्रोवेव में उबालो, तो किस में आपको ज्यादा कम अशुद्धि वाला काम मिलेगा? मतलब तो अच्छे तरह से चावल कहाँ उबले हुए आपको मिलेंगे गैस? आपको बड़ा अच्छा अंदाजा है, किसी को भी है ना जो दिन रात खाना बनाता है उसको सब पता है, सब पता है। वो मतलब इतनी जल्दी उस चावल को रख सकता है जैसे उसने कुछ चावल डाले, वो बिल्कुल जान जाए कि कितने चावल हैं, पानी कितना डालना है। माइक्रोवेव में डालने के लिए नई टेक्निक है ना, नई टेक्निक होती तो अशुद्धियाँ ज़्यादा होती है। ये कुछ वैसे ही है कि आप कोई नया काम सीखते हो, नई टेक्निक होती तो अशुद्धियाँ ज़्यादा होती है। अरे हम लोग इस व्हाइट बोर्ड से जब इस बोर्ड में शिफ्ट हुए थे, बड़ी दिक्कतें आती थी, है कि नहीं? दिक्कतें आने का मतलब इसके बाद अब धीरे धीरे वो प्रैक्टिस से अशुद्धियां कम हुई है, लेकिन इनिशियली इसके अंदर अशुद्धियां आनी ज्यादा। फिर आता है कॉपीराइट मुद्दे, ये आपने प्रिंटिंग में फील किया होगा, कॉपीराइट मुद्दे बहुत है। मैंने अपनी मेहनत से कुछ काम किया, हाथ से मैंने कुछ लिखा, जैसे ही उसको पब्लिक डोमेन में डाला उसकी खूब कॉपियां बन जाएगी, बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? कहाँ कहाँ पकड़ूंगा मैं? उसी तरह से अगर आपने एक डिजाइन बनाया अपने घर का,
आप एक आर्किटेक्ट हो, आप एक फ्लैट बेचने वाले हो, आपने घर का एक डिजाइन बनाया, घर का बना वो डिजाइन आपकी उस डिजाइन को कोई कॉपी कर ले तो कैसे पकड़ोगे कि ये मेरी है? कॉपीराइट वगैरह थोड़ी चलेंगे, तो कॉपीराइट संबंधी मुद्दे भी इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर नौकरियां जाएगी, जब सारा काम प्रिंटिंग से ही हो जाएगा तो जो विनिर्माण के क्षेत्र में लगे हुए काम है, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में लगे हुए काम है, लोग हैं, उनकी रोजगार जाने की संभावना है कि नहीं? और मैंने आपको एक बार बताया था जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ में ये पॉइंट भी आप डाल सकते हो। ठीक है, फिर कई चीज़ें ऐसी होती है, कई प्रिंटर ऐसे होते हैं, अभी तक टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई नहीं है कि वो इस प्रकार के प्रिंटर्स का प्रोडक्शन कर दे बल्क स्टेज पर, जहां पर ये 3D प्रिंटिंग ढंग से हो सके। इसलिए कुछ मुद्दे इसके साथ में हैं। भारत के लिए कौन सा मंत्रालय इस प्रकार के विनिर्माण क्षेत्र में के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट है? उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसकी नोडल एजेंसी है। और हम चाहते हैं कि इसके अंदर स्टार्टअप्स बहुत तेजी से आए, ताकि वो स्टार्टअप्स जो है वो जॉब भी क्रिएट करेंगे। तो आगे की राह यह है कि स्टार्टअप्स को इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। जॉब क्रिएशन अगर इस क्षेत्र के अंदर भी हो गई तो एफिशिएंसी बढ़ा सकने में इसकी एक महत्वपूर्ण या कारगर भूमिका हो सकती है। हाँ मेरे भाई, अच्छा एग्जाम में कैसे आएगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और करंट का टॉपिक तो यही, खैर नहीं आया ना? ये देखो, इस तरह का प्रिंट निकल कर आएगा बाहर, ये मटेरियल होगा, ये केवल कागज पे तो मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना? ये हाथ से आप टच करके फील कर सकते हो। ये अब देखो, इस तरह का अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो एक टिपिकल डिजाइन है कि नहीं है? कागज पे बनाओगे और इस तरह का सामने आएगा, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?